ये ब्लिंक करने लगा, कंट्रोलर ऑन हो चुका है। इधर मतलब डाटा इधर से जाएगा, यहाँ से सेंड कर देंगे। तो कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट आर्ट सॉल्यूशंस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे P10 डिस्प्ले बोर्ड का, और इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, पूरा इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो मेरे पास में तकरीबन 3-4 कलर का P10 डिस्प्ले है, 6 इंच बाई 12 इंच का। इसे हम अभी वायरिंग करेंगे, इसका प्रोग्रामिंग करेंगे, मोबाइल से कैसे इसमें डाटा सेंड करते हैं सारा चीज़ इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक 5 वोल्ट का डीसी कंट्रोलर, क्योंकि ये P10 डिस्प्ले बोर्ड 5 वोल्ट से चलता है। तो सबसे पहले हम इसे 5 वोल्ट का ये डीसी कंट्रोलर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 एम्पियर का होगा, ये 40 एम्पियर का है। इसमें हम यहाँ से पावर दे देंगे, सबसे पहले इसे पावर दे करके ऑन करते हैं। तो पावर देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दो एल है। तो हमें एक को छोड़ देना है और एक में यहाँ पे वायर डाल देना है एल में। कितना बड़ा लगेगा, हमारा बोर्ड नीचे में है, कितना बड़ा आसपास। अब यहाँ से फिर हम एक को इसे कटिंग कर देते हैं और दूसरे वाले वायर को हम लगा देंगे एन में। ये देखिए, ये हमने लगा दिया एन में। अब इसे काट लेते हैं यहाँ से कटिंग। सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे, उसके बाद एक एक करके डिस्प्ले को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पूरा कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। अब पावर सप्लाई में हमारा लाइट आ चुका है। अब हम लेंगे दो अलग अलग कलर का वायर, इससे हम कर लेंगे कंट्रोलर को ऑन। ये हमारा कंट्रोलर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GND लिखा हुआ है कार्ड में। GND मतलब ये हो गया माइनस, इसमें हम डाल देंगे माइनस। और इधर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, इधर डाल देंगे प्लस का वायर। अब दूसरे साइड में पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 दिया है माइनस का, 4 दिया है प्लस का। तो हम किसी भी एक में हम यहाँ पे माइनस और प्लस को इन कर देंगे। तो ग्रे वाला हमारा माइनस था, तो भी माइनस में हम यहाँ पे डाल देते हैं इसे, और इधर भी प्लस में हम डाल देते हैं एक रेड वाले को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये ब्लिंक करने लगा, कंट्रोलर ऑन हो चुका है। अब हमें चाहिए ये डाटा केबल, जिससे डाटा जाएगा यहाँ तक। ये केबल ले लेंगे और इसे हम लगाएंगे। ये देखिए, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तरफ ये प्लेन है और दूसरे तरफ में यहाँ पे एक घाट बना हुआ है। ये घाट वाला हमेशा इधर रहेगा, ये IC जिधर दिख रहा है आपको, इधर IC की तरफ रहेगा, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार लोग इसे उल्टा लगा देते हैं, उसके बाद में जब यहाँ पावर देते हैं तो किट तुरंत जल जाता है, ये जो आपका किट है तुरंत शॉर्ट कर जाएगा, तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लगा लेते हैं एक, और ये हो गया हमारा दो। अब यहां से हम लेंगे एक डिस्प्ले को। डिस्प्ले में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब नजदीक से आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे एरो का साइन दिया हुआ है, एक डाउन और एक इधर, मतलब डाटा इधर से जाएगा। इधर से कनेक्शन आपको नहीं देना है, इधर से डाटा जाएगा। तो हम इधर से हम इसे डाटा यहाँ पे दे करके देखते हैं ये हमारा ऑन होता है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा ऑन हो चुका है नंबर वन, और नंबर टू में हम यहाँ पे देते हैं। इसी तरीके से हम डाटा इसमें इन करेंगे। अब इसे देखते हैं ये ऑन हमारा होता है या नहीं। तो ये हमारा ऑन नहीं हुआ, डाटा तो सही डाले हैं लेकिन ये ऑन नहीं हुआ, लग रहा है ये डिस्प्ले खराब है। P10 में यही खराबी है,
अगर आप 10 पीस 15 पीस मंगा रहे हैं तो उसमें एक दो पीस खराब होना तय है, और इसका कोई गारंटी वारंटी भी आगे से नहीं मिलता है। तो ये हमारा एक पीस लग रहा खराब हो गया, मतलब खराब आया ही है। ये दूसरा भी ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब कार्ड में कहीं पे दिक्कत है। इसका कार्ड में हो सकता है कहीं पे दिक्कत हो, ये वायर में कहीं पे दिक्कत हो सकता है। वायर चेंज करके एक बार देख लेते हैं। वायर हमने चेंज कर लिया, अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अभी भी नहीं कर रहा है, हो सकता है कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगा। इसे हम हिला देते हैं, ये हमारा ऑन हो जा रहा है, मतलब डिस्प्ले से ही है। हो सकता है कार्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिलहाल हम दूसरा कार्ड, एक और कार्ड मेरे पास में है, उस कार्ड को लगा करके देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम इसे खोलेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मटेरियल कहाँ मिलेगा, मटेरियल मंगा करके हम खुद से बना लेंगे, तो यही प्रॉब्लम होता है। मटेरियल आप जब खुद से मंगाते हैं इसी तरीके का प्रॉब्लम आने वाला है। और आगे से जहाँ से होलसेलर लोग होते हैं वो चेक करके भेजते भी नहीं है, और आगे गारंटी भी आपको नहीं देते हैं। तो ये कार्ड को हम देखते हैं, हो सकता है इसे रीसेट करेंगे तो ठीक भी हो जाए। इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। सेकंड वाला देखते हैं ऑन करके। तो ये देखिए, ये कार्ड में सेकंड वाला भी ऑन हो गया, मतलब ये कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि ये नया ही आया है, अभी बाद में इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों कलर ऑन हो गया है। तो अब हम यहाँ एरो को साइन को देखते हुए हम पूरे डिस्प्ले को यहाँ पे हम सेट कर लिए हैं, और फिलहाल ये हिले नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे टेप चिपका लेंगे, क्योंकि फ्रेमिंग हम इसे अभी नहीं करने वाले हैं। इसे हम इस तरीके से टेप चिपका लेंगे ताकि ये हिले नहीं। आप डिस्प्ले लेंगे तो आपको ये कनेक्टर मिलेगा, तो ये कनेक्टर इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है, फिर इसे आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो इसे हम रख देते हैं फिलहाल साइड में, क्योंकि इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उसको ज़्यादा यूज मत कीजिएगा। अब हम दो कलर का वायर ले लेते हैं, और डिस्प्ले में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी सी, यहाँ देखिए प्लस और माइनस का यहाँ छोटा सा आइकन बना हुआ है, प्लस और माइनस का। और कई डिस्प्ले में नहीं भी बना हुआ रहता, तो यहाँ पे GND लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, और VCC लिखा हुआ मिल जाएगा। तो VCC का मतलब प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे प्लस हम इस तरीके से प्लस वाले को प्लस में पहले एक राउंड पूरा घुमा लेते हैं हर जगह से प्लस को, उसके बाद माइनस को इसी तरीके से घुमा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये दो वायर हम निकाल लिए, पूरा एक राउंड हम इसे माइनस प्लस अच्छी तरीके से चेक कर लिए। अब हम इसे सिंपल डाल देंगे पावर सप्लाई के अंदर में। तो एक हमने इसे पावर सप्लाई से हमने एक निकाला तो ड्राइवर को ऑन कर लिया, और दूसरे वायर को हम यहाँ पे डाल देंगे भी प्लस में प्लस वाले वायर को, और भी माइनस में माइनस वाले वायर को। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अभी इसे डाल दिए। ये देखिए, ये हमारा
डाल दिया, लेकिन अभी ये ऑन नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं, हम सामने से इसको कलेक्ट करके दिखाएंगे कि ऑन में होगा। ये देखिए, क्योंकि अभी हमने इसमें डाटा नहीं दिया, तो जब तक इसमें डाटा नहीं देंगे ना, तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी डाटा देते हैं, तो डाटा शुरुआत इधर से होगा। पहले इसको इधर लगा के देख लेते हैं, नंबर वन कौन है, नंबर टू कौन है। जब हम इसे पावर देंगे तो पता चलेगा, इसे एक्सचेंज भी हो सकता है, करना पड़े हमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है, लेकिन ये यहीं तक जल रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें आगे भी डाटा दिया ही नहीं है। तो अब हम इसी तरीके से कार से डाटा आया इस बोर्ड में, और इस बोर्ड से डाटा जाएगा इस बोर्ड में, और इस बोर्ड से डाटा जाएगा इस बोर्ड में। तो हम ये डाटा केबल सभी में लगा देते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे लगाते जाएंगे डाटा आगे बढ़ते जाएगा, हमारा बोर्ड ऑन होते जाएगा। ये देखिए, अब हम सामने पलट करके चेक करेंगे सब ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो भी आप देख सकते हैं हमारा सब ऑन हो चुका है, लेकिन डाटा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इस वाले को निकाल करके, इस वाले जैक को निकाल करके इधर लगाना है, इस वाले को जैक को यहाँ लगाना होगा, तब हमारा सीधा डिस्प्ले आएगा। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा, ये हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे भी जा रहा है चाइनीज भाषा, क्योंकि ये है कार्ड बना हुआ चाइना का, और हमारे इंडिया के इंजीनियर कब जागेंगे तो बनाएंगे, तो फिर हमारा हिंदी भाषा यहाँ पे आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी अपना भाषा डाल देते, चाइना को हटा देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में अभी ऐप डाउनलोड करेंगे, और ऐप डाउनलोड करके अभी हम इसका डिजाइनिंग दिखाते हैं। तो हम सिंपल आ जाएंगे मोबाइल में, मोबाइल में प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में जा करके आपको लिखना है LED ART आर्ट लाइट। देखते हैं इसमें से कौन सा है, यहाँ दो तीन आता है, तो हमें फर्स्ट वाला को इंस्टॉल कर लेना है। अब हम इसे ओपन करेंगे, LED आर्ट अलाउ कर देंगे, अलाउ। ये देखिए, ये हमारा ऑन हो चुका है। अब हम सिंपल मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लेंगे यहाँ से, ये मोबाइल का वाईफाई हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ से डिवाइस फाइंड डिवाइस करेंगे, ये देखिए हमारा 000 आ गया है। ये 000 को हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको 8x8 दबाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 में नहीं आया, देखते हैं कनेक्ट करके। तो अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें डिस्प्ले सेटिंग करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले सेटिंग के लिए आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग का आइकन पे, सेटिंग का आइकन पे जाएंगे, स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पे स्क्रीन सेटिंग में जाना है, लेफ्ट टू राइट विड्थ और हाइट का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो क्या करेंगे तो 16 रहता है, और ऐसे जब गिनती करेंगे तो 32 रहता है LED जोर है। तो ऐसे एक डिस्प्ले में 32 है, तो 32 × हमने 3 डिस्प्ले लगाया है, तो 3 कर देंगे 96। तो यहाँ पे देखिए विड्थ में हम कर देंगे 96, 96, और ऐसे 16 × 32। अब हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट। डिस्प्ले सेटिंग हो गया, अब हमें हिंदी फॉन्ट चाहिए, तो हिंदी वहाँ पे कॉपी करना थोड़ा सा टाइप करना मुश्किल हो जाता है, तो हम गूगल में यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ से आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में आने के बाद में हम यहाँ से यहाँ पे सिंपल इसे पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पेस्टिंग हो गया है, अभी जगह पे आप देख सकते हैं मेरा भारत आ रहा है, लेकिन फॉन्ट का साइज लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए दो बार में आ रहा है। हमें फॉन्ट का साइज यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे, एक बार में हमारा आ जाना चाहिए, और छोटा होगा और छोटा होगा। ये देखिए ये आ गया है, ये देखिए ये आ गया है। यहाँ से सेंड करेंगे, और सेंड करते के साथ में आप वहाँ पर देख सकते हैं मेरा भारत महान चलने लगा। हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड हम यहाँ से कम करके आपको दिखा देते हैं। स्पीड कम कहाँ से करेंगे,
स्पीड कम करने के लिए आपको थोड़ा सा बैक आना होगा। और यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं, स्पीड 10 का है, तो स्पीड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे स्लो होगा। स्पीड हम कर देते हैं 30 का, 30 में सेंड करते हैं। तो यहाँ उल्टा काम करता है, जितना ज़्यादा आप स्पीड यहाँ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे कम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फोन था हमारा हिंदी में चल रहा है, अब हमें चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ से हम न्यू पेज में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऐड प्रोग्राम, ऐड प्रोग्राम में जा करके यहाँ पे हम हिंदी में टाइप कर लेते हैं, इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं। ये देखिए मास हमने टाइप कर लिया, फोन का साइज हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ये कर लिए। यहाँ से हम इसे कर देते हैं रेंडम, और रेंडम करने के बाद में हमें चाहिए एक बॉर्डर, तो हम यहाँ से बॉर्डर ले लेंगे। और यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन बहुत सारा है, कितना लाइन का आपको बॉर्डर चाहिए, तो हम फिलहाल ले लेते हैं 2 लाइन का बॉर्डर, और सिंपली हम इसे भी यहाँ से सेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एक बार में आप यहाँ पे मार्स आ रहा है लिखा हुआ, और दूसरे बार में मेरा भारत महान यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ। तो कुछ इसी प्रकार से इसे काम करना पड़ता है, इसका सेटिंग वगैरह करना पड़ता है। अगर आपका इसका फ्रेमिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और इसी से रिलेटिव और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।